जागेश्वर विधानसभा सीट से कांग्रेस के मौजूदा विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद सिंह कुंजवाल ने नामांकन दाखिल किया। वहीं नामांकन दाखिल करने के बाद गोविंद सिंह कुंजवाल ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की। जागेश्वर विधानसभा सीट से गोविंद सिंह कुंजवाल जी ने एक बार फिर से कमान संभाली है। नामांकन करने के बाद वो जागेश्वर विधानसभा सीट पर पहुंचे। आप देख सकते हैं भारी जोश और खरोच के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है और लगातार जनता की एक जो आस है गोविंद सिंह कुंजवाल को विधायक बनाया जाए वो भीड़ से देखा जाता है। वैसे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, आज टिकट की घोषणा हो गई है, टिकट घोषणा हो गई है, नामांकन करा लिया, कैसा माहौल देख रहे हैं आप? देखिए, आपके सामने माहौल है, पूरी जनता इसमें कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहती है, इसीलिए मेरे नामांकन के बाद ये हुजूम आप देख रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस जो है 45 से 50 सीट प्रदेश में लाएगी जी। और जहाँ तक जागेश्वर विधानसभा का प्रश्न है, जागेश्वर के मतदाताओं का मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ। मैं आज उनके सामने छठी बार का विधायक के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ और उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है। और मैं जब जब सत्ता में रहा तब तक हमने इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, सारे विकास किए हैं। और मैंने लोगों को रोज़गार देने के लिए भी प्रयास किया था, लेकिन सरकार बदल गई, वो काम हमारे अधूरे रह गए, आने वाले समय में उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। सत्यों में हमारा एक दुग्ध डेयरी और सीसर सेंटर हमने खोला था, उसमें 5,000 लोग काम करते हैं, ऐसे हमारा प्रस्ताव था, स्वीकृत हो गया था, उसको इन्होंने लटकाया है। इसलिए मैं उन योजनाओं को पूरा करके उसी तरह की और योजनाओं को प्रारंभ कर करके मेरा ये प्रण है, जिस हमारे नवयुवक को नवयुवती को पढ़ने के बाद यहाँ सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है, उसको काम करने के लिए दिल्ली भटकना नहीं पड़ेगा, हरियाणा नहीं जाना पड़ेगा, पंजाब नहीं जाना पड़ेगा। सर, एएनबी के मंच से गोविंद सिंह कुंजवाल क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, एएनबी के माध्यम से मैं मतदाताओं से यही अपील करना चाहता हूँ कि सारी परिस्थितियों मेरा उनका बहुत लंबा साथ रहा है, मेरे चरित्र को, मेरे व्यवहार को, मेरे काम करने के तरीके को यहाँ की मतदाता बहुत गहराई से समझते हैं। और मेरा इतना ही निवेदन है, ये मेरा अंतिम चुनाव है और जिस तरह से मुझे उन्होंने सहारा देकर के यहाँ तक पहुँचाया है, अंतिम समय में भी भारी मतों से मुझे जीत मिले, ऐसा मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ। उनकी भावना के अनुसार, उनकी मंशा के अनुसार मैं पूरा काम करने का प्रयास करूँगा। साफ तौर से गोविंद सिंह कुंजवाल जी ने भी साफ कर दिया है कि जीत के आने के बाद वो क्षेत्र में विकास के नए आयाम जोड़ेंगे, वो काम करेंगे जो इन 5 सालों में नहीं कर पाए, सरकार आने के बाद उन कामों को अमली जमा बनाया जाएगा और पूरी तरीके से क्षेत्र की जनता का विकास लगातार किया जाएगा। अमित चौधरी, एएनबी न्यूज, जागेश्वर विधानसभा।